हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को 1363 करोड़ रुपए की लागत से पंचकुला जींद व करनाल जिलों की 56 परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन कर जिला वासियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम से पंचकुला व जींद जिले की परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तथा करनाल जिले की परियोजनाओं का मौके पर अनावरण किया। इन परियोजनाओं में पंचकुला जिले के 7 परियोजनाओं पर करीब 705 करोड़ रुपए, करनाल जिले की 47 परियोजनाओं पर 585 करोड़ रुपए और जींद जिले की 4 परियोजनाओं पर 73 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री ने 263 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले करनाल शुगर मिल के विस्तारीकरण कार्य का भी भूमि पूजन किया। बहुत ही एक हर्षोल्लास का ये विषय है कि आज चाहे वो ये जो अपना जिला ऑडिटोरियम करनाल का विषय है जहां हम बैठे हैं, इसका आज उद्घाटन हुआ। 10 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट आज बना है और करनाल शहर में इस प्रकार का बिल्कुल शहर के बीचों बीच कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान जहां बड़े बड़े ऐसे कार्यक्रम कर सकें, ऐसे स्थान की एक बहुत बड़ा अभाव था और ये आज बनकर तैयार हुआ। इससे पहले हमें या तो ऑडिटोरियम हमारा NDRI का और या फिर कल्पना चावला, ये जो ऑडिटोरियम इस प्रकार के थे उनमें अपना एक प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए जाना होता था, लेकिन एक बड़ा स्थान हमको शहर के बीचों बीच ही मिल गया। खास करके करनाल वासियों का, करनाल जिले के सब लोगों का बहुत बहुत मैं शुभकामना देता हूं और उनको बधाई देता हूं कि इसका उपयोग वो कर सकेंगे। 10 करोड़ से बड़ी जो परियोजनाएं हैं करनाल की, 27 नई स्वीकृत कॉलोनी और 9 गांव में जलापूर्ति सीवरेज प्रणाली, तो सीवरेज की व्यवस्था का इसमें भी 47 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। कुटेल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है उसमें नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज, इनका 2 का भी आज उद्घाटन किया गया है, जो लगभग 27 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। ऐसे ही जो शिलान्यास हुए हैं उसमें त्रावड़ी में 50 बिस्तरों का अस्पताल का शिलान्यास, ये 16 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा। इसी प्रकार गरोंडा की स्वीकृत 21 नई जो कॉलोनियां हैं उनकी जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली की व्यवस्था के लिए 10 करोड़ रुपए की योजना का शिलान्यास किया गया है। महाग्राम योजना, जिनकी आबादी 10,000 से ज़्यादा ऐसे जो गांव हैं उनमें निगदू के जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली का शिलान्यास किया गया, जिस पर 14 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ऐसे ही करनाल नगर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो पानी की निकासी, जो ड्रेन नंबर 1 और ड्रेन नंबर 2 से जोड़ने का जो कार्यक्रम है, इसका एक बहुत महत्व इस प्रकार से है कि वहाँ के इलाके की ड्रेन नंबर दो के आसपास लगभग 500 एकड़ जमीन वो हर वर्ष पानी में डूब करके खराब हो जाती थी, तो इस दोनों ड्रेन्स को जोड़ने का जो कार्यक्रम होगा, इससे 500 एकड़ जो जमीन है उसको हम बचा पाएंगे और ये जो अंडरग्राउंड 3 किलोमीटर पाइपलाइन है ये उसका शिलान्यास किया गया, इन दोनों को जोड़ा जाएगा। ये समस्या बहुत पुरानी, लगभग 50 साल पुरानी ये समस्या थी, जिसको आज शिलान्यास करके और बहुत जल्दी इसको जोड़ने के बाद एक बहुत बड़ा, जिसको कहना चाहिए, एक लोगों को इसका लाभ होगा। करनाल की जो चीनी मिल है इसकी अपग्रेडेशन की मांग 20 साल पुरानी मांग थी, जिसको हमने आकर के उसको 35,000 क्विंटल प्रतिदिन की क्षमता का आज उस भूमि पूजन करके उस मिल का शिलान्यास किया है और मैं समझता हूँ ये भी 1 वर्ष के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार बड़ी योजनाओं में जैसा हमने बताया, जींद की जो उठान योजना, डूमरखा और स्वर्ण कला, इसमें 9.5 करोड़ रुपए की योजना, इसका भी आज शिलान्यास किया गया है। उचाणा शहर नरवाना का जो जींद सड़क को मिलाने वाला उचाणा बाईपास है, जिसका बताया गया 58 करोड़ रुपए की लागत से ये बनेगा, उसका भी आज शिलान्यास किया गया है। पंचकुला में बड़ी योजनाएं जिसमें 7,500 मकान
जो वहां की पिछड़ी बस्तियां राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी और खड़ग मंगोली झुकी झोपड़ियां कॉलोनी थी, उसको पुनर्वास के लिए 7,500 मकानों के लिए और इसको बनाने का काम आज शुरू किया गया है। 650 करोड़ रुपए की ये एक ही परियोजना है। इसी प्रकार वहां शहर को बांटने वाली जो नेशनल हाईवे है शिमला को जो जाती है सड़क, उसमें सेक्टर 20-21 और 24-26 को जोड़ने के लिए सड़क जोड़ने के लिए और घग्गर नदी के ऊपर एक पुल बनेगा। उस पुल के बनने के बाद पंचकुला का और एयरपोर्ट के साथ एक सीधा लिंक बनेगा। इस प्रकार उसका भी एक 50 करोड़ 37 लाख रुपए की योजना का ये शिलान्यास किया गया है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जैसे मैंने बताया कि 1,363 करोड़ रुपए की 56 प्रोजेक्ट्स इसका शिलान्यास उद्घाटन आज किया है। और मैं समझता हूँ इस वर्ष क्योंकि आज प्राय ये मान लेना चाहिए कि इसके बाद सरकारी कार्यक्रमों के शिलान्यास उद्घाटन का इस पंचवर्षीय जो सत्र ये योजना हमारी है इसका आखिरी कार्यक्रम रहा है। इस दिन सब ये जितने भी क्योंकि यात्रा के समय लगभग 150 शिलान्यास और भूमि शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम मैंने किए, लेकिन उसमें इस 3 जिलों के बचे हुए कार्यक्रम आज उसका ये सब किया है। इस अवसर पर मैं 3 जिलों के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।